तो प्यारे छात्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज अपडेट बाय अजीत बक्सर के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो पीजी सेमेस्टर 21 से 19 वाले सत्र में है, जो परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं और डाउट उनका बहुत आ रहा है। उनके डाउट को लेकर यह वीडियो बनाया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने ये डाउट प्रश्न है, जो भी यहाँ पर डाले हैं, यहाँ पर आपका डाउट प्रश्न है। जो भी डाउट आपका आया है यूट्यूब के कॉमेंट से, कॉल से, व्हाट्सअप ग्रुप से जो आपका आया है, तो यहाँ पे आप ही के लिए ये बनाया गया है। जो भी डाउट है, तो आपको हम एक बात बता दें कि आपका डाउट जो को भी है यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको हम नीचे बता दें कि देते हैं कि आपका डाउट क्या है। देखिए, आप मिला भी लेंगे कि हमारा डाउट क्या है। तो यहाँ पे पहला डाउट आया था 1 में, यहाँ पे कि फॉर्म फिलअप हो गया है लेकिन सब्जेक्ट में कैन नॉट दिखा रहा है, मतलब आपका सब्जेक्ट वहाँ पर चूज नहीं हुआ है, पहला डाउट है। और दूसरा डाउट है कि URN नंबर नहीं है, किसी के पास URN नंबर ही है। और तीसरा डाउट है कि हम अलग कॉलेज से हैं क्या, जैसे मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, तो ये तीसरा डाउट है। और चौथा डाउट है कि पैसा जमा नहीं किए हैं और फॉर्म नंबर भी नहीं मिला है, तो ये चौथा डाउट है। और पांचवा डाउट है कि सब कुछ हो गया है, फॉर्म गलत भरा गया है, तो ये पांचवा डाउट है। अगर फॉर्म गलत भर दिए हैं, पैसा जमा नहीं किए हैं, तो इतना डाउट हमारे पास आया है। तो आपको हम बता दें कि इस डाउट का सलूशन इस वीडियो में हम बता देंगे पूरी तरह से। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से एक बात करना था, देखिए हमारे पास 10 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप में हम वीडियो शेयर कर पाते हैं, 10 ग्रुप के लोग देख सकते हैं। आप लोग 10 होंगे, 10 से 10 विदा करेंगे तो 100 ग्रुप में जाएगा, तो हमारे पास उतना ग्रुप नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग से एक विनती है कि हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम शेयर नहीं कर पाते हैं। 10 ग्रुप में डाल सकते हैं, 5 ग्रुप में डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं शेयर कर सकते हैं। आप ही लोग के सपोर्ट प्यार से ये वीडियो आगे तक जाएगा, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको हम बता दें कि इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, वीडियो देखने के बाद हो सके चाहे अभी भी शेयर कर सकते हैं। आपका प्यार दुलार बना रहेगा इस तरह से, और सपोर्ट भी बना रहता है। और आपका एक डाउट और है, कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपका ये क्वेश्चन जो बताए हैं कि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, आपका आपका मतलब किस डाउट में, क्वेश्चन में दिक्कत है। अगर डाउट मिल गया तो ठीक है, अगर डाउट में अगर कोई भी परेशानी है तो हमको कमेंट फिर से कीजिएगा। आपका सोल्यूशन जो भी होगा हम फिर से कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और एक क्वेश्चन आई बटन में, ऊपर आई बटन में अगर फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आई बटन में आपको फॉर्म फिलअप करने का वीडियो भी मिल जाएगा और फोटो साइज भी का भी मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन आई बटन में, एक क्वेश्चन डालेंगे, आई बटन में क्वेश्चन डालेंगे, उसका आंसर आपको हमको देना है। आई बटन में क्या आपको समझ में आ रहा होगा, आई बटन टिपिएगा ऊपर, आई बटन आपको यहाँ पे बता देंगे कि आई बटन कैसा होता है। आई बटन टिपिएगा, वहाँ पे आपको आई बटन में क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, जरूर से जरूर दीजिएगा। आपसे विनती है कि क्वेश्चन देखकर आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पीजी फॉर्म आपको बताया गया है कि पीजी फॉर्म यहाँ से ऑनलाइन हो रहा है, और यहाँ पे रीपेमेंट, चलिए ये तो पता होगा। देखिए पहला नंबर ये है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस नंबर पे कॉल किसको करना है, इस नंबर पे कॉल किसको करना है, जो आपका डाउट है उसके माध्यम से बताएंगे कि इस पे कॉल किसको करना है। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, 6 क्वेश्चन में किसको इस नंबर पे कॉल करना है, किसको नहीं करना है। तो पहले तो आपका डाउट देखते हैं कि आपका डाउट क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो में एक कॉमेंट भी आया था कि बुक और सिलेबस से वीडियो बनाइए सर, BSc का और BCom जो भी है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो इसका भी वीडियो आपके सामने आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तभी आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं डाउट क्वेश्चन कि फॉर्म फिलअप हो गया लेकिन सब्जेक्ट में काइंड नॉट दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन आपको हम बता दें कि इसका सोल्यूशन हम फ़ोन किए थे BKSU के पास, तो इसका अभी साइट स्लो है। तो इसका सोल्यूशन आप नंबर पर जाकर शाम को हो सके तो, कॉलेज बंद नहीं है, कॉलेज बंद नहीं है, आप डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉलेज फ़ोन जो इस पर नंबर बताया गया है, यहाँ पे नंबर कहाँ पे है, तो आपको नंबर यहाँ पे है, देख रहे हैं यहाँ पे नंबर, फर्स्ट वाले नंबर, सेकंड वाले नंबर नहीं लगता है, तो दोनों नंबर ट्राई मार लीजिएगा। और ये डाउट क्वेश्चन आपको वहाँ पे फॉर्म नंबर बताना है, नाम बताना है, कॉलेज का नाम बताना है, आपका ये डाउट वहाँ पर क्लियर हो सकता है। इसके बाद वो क्या करेंगे, इसके बाद आपको वहीं से करना है।
तो फॉर्म फिलअप सब्जेक्ट कैनट दिखा रहे हैं उनका, वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कि यू आर एन नंबर नहीं है, तो यू आर एन नंबर जिनका नहीं है वो अपने कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाकर जहाँ एडमिशन लिए हैं वहाँ से पता करिएगा। अगर कॉलेज से मिल गया और कॉलेज में मिल गया तो ठीक है, कॉलेज में नहीं मिला तो कॉलेज का कोई भी स्टाफ जो कहेगा वैसा रूल फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग कॉलेज से हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आपके लिए यह आंसर है कि आप जहाँ पे आप एडमिशन लिए हैं माइग्रेशन जमा किए हैं वहाँ पे जाइएगा, माइग्रेशन जहाँ पे जमा वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते ही आप वीडियो पे आइएगा और वीडियो देखकर अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट डाउट है कि पैसा जमा नहीं है फॉर्म नंबर भी नहीं मिला है, तो इनका डाउट अभी भी के सी ने अभी बताया नहीं है, इनका डाउट अभी साइट स्लो, अभी ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते सब काम अभी धीरे धीरे चल रहा है, तो इसका डाउट अभी मिलेगा आपको। पैसा जमा नहीं, सॉरी पैसा जमा नहीं है फॉर्म नंबर मिला नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे फादर्स नेम डाल रहे थे मदर्स नेम डाल रहे थे तो एक बार दोनों में देख लीजिए इधर उधर कि फॉर्म में डाले हैं फादर्स नेम तो मदर्स नेम डालकर देख लीजिए, अगर होता है तो ठीक है ईमेल चेक कर लीजिए, मैसेज चेक कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर हमको कमेंट कीजिए, कमेंट का इंतज़ार रहता है, और आई बटन में क्वेश्चन डालेंगे उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब कुछ हो गया फॉर्म गलत भरा गया है, तो इसका डाउट अभी बीकेसीयू ने नहीं निकाला है, इसका आंसर अभी नहीं दिया है, इसका आंसर मिलते ही आपको वीडियो के माध्यम से मैसेज के माध्यम से आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर इसका एक डाउट पहले ही मिला था, हम क्वेश्चन दर्ज किए थे वहाँ पे कि सब कुछ हो गया फॉर्म गलत हो गया है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया था, अगर आरा से नज़दीक होंगे, आरा से बिलोंग करते होंगे, आरा से नज़दीक होंगे, फॉर्म गलत भर दिए हैं पैसा जमा नहीं किए, तो ये दोनों लास्ट क्वेश्चन का उत्तर है कि आप फॉर्म नंबर तो आपका मिल गया होगा, इस दोनों क्वेश्चन में आपका फॉर्म नंबर मिल गया, तो फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन का मार्कशीट का टू कॉपी और एक एप्लीकेशन के साथ बीकेएसयू में आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं, तो आपका ये डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार आपका आंसर दोहरिया देते हैं कि फॉर्म सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है तो आप 2-3 घंटा बाद कॉल कीजिएगा बीकेएसयू के पास, यू आर एन नंबर नहीं है तो कॉलेज में जाइए, अलग कॉलेज से हैं तो एडमिशन जहाँ लिए हैं माइग्रेशन जमा जहाँ किए हैं वहाँ से जाइए, पैसा जमा नहीं हुआ है फॉर्म नंबर नहीं मिला है ईमेल मैसेज चेक कर लीजिए, फादर्स नेम के जगह मदर्स नेम डालिए, आपका वहाँ से सोल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, हमारा अबाउट में मैसेज नंबर है वहाँ से कॉल कीजिएगा, ईमेल है collegeupdatebyajitbaksar@gmail.com, इस पर मेल कीजिएगा, हमारा डाउट क्वेश्चन भी डालिएगा, फ़ोटो खींचकर जो भी है उसको मेल कीजिएगा। और नीचे का लास्ट क्वेश्चन 2 है, इसका अभी तक इसका कॉलेज में जाइए, फॉर्म नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, और नीचे देख लीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको शाम या कल बुक और सिलेबस के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इतना ही था दोस्तों, सबका डाउट चाहेंगे कि क्लियर हो गया होगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें क्योंकि हमसे शेयर नहीं हो पाता है, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो शेयर आप कीजिए, आप ही के सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आई बटन में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा।